सलमान खान ने किया अर्जुन कपूर को माफ, वजह जानकर आप भी होंगे हैरान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, बॉलीवुड में दुश्मनी और दोस्ती का सिलसिला तो लगा ही रहता है, कौन कब दोस्त बन जाए तो कब दुश्मन कुछ नहीं पता। जहां सालों पुरानी सलमान और शाहरुख की दुश्मनी खत्म हो गई, वहीं सुनने में आ रहा है कि सलमान और अर्जुन की दुश्मनी भी अब लगभग खत्म ही होने वाली है। क्या हुआ, लग गया ना आपको भी झटका? सुनने में आ रहा है कि डायरेक्टर बोनी कपूर के बेटे अर्जुन कपूर के साथ उनका कोल्ड वॉर अब खत्म होता दिख रहा है। अब कहा जा रहा है कि जल्द ही सलमान और अर्जुन एक प्रोजेक्ट में साथ काम करते नजर आ सकते हैं। बता दें कि 14 साल पहले आई सलमान खान की सुपरहिट फिल्म नो एंट्री का सीक्वल को लेकर काफी टाइम से खबरें आ रही हैं। खबरों की माने तो बोनी कपूर ने इस प्रोजेक्ट पर अर्जुन और सलमान साथ साथ काम कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म की शूटिंग साल के आखिरी तक या नए साल के पहले महीने से शुरू हो सकती है। बता दें कि नो एंट्री में जो रोल फरदीन खान ने निभाया था, उसमें अर्जुन कपूर को कास्ट किया जा सकता है। फिल्म में सलमान अर्जुन के गुरु का रोल निभाएंगे, वहीं अर्जुन फिल्म में भाईजान के चेले बनते नजर आ सकते हैं। वेल, देखना तो अब ये दिलचस्प रहेगा कि अर्जुन और सलमान अपनी दुश्मनी को भुलाकर साथ में स्क्रीन शेयर करेंगे तो उनकी बॉन्डिंग कैसी नजर आएगी। बता दें कि सलमान काफी टाइम से अर्जुन से नाराज चल रहे हैं। एक टाइम ऐसा था जब अर्जुन बहुत मोटे हुआ करते थे, लेकिन सलमान ने उनको फिट करने में काफी मदद की थी। उस समय अर्जुन सलमान को भाई कहकर बुलाते थे और उन्हें सलमान ने बॉलीवुड में लाने में मदद भी की थी। इतना ही नहीं, अर्जुन सलमान को इतना पसंद करते थे कि अपनी फिल्म तेवर में उन्होंने मैं तो सुपरमैन सलमान का फैन नाम गाने पर डांस तक किया था। लेकिन कहा जाता है कि मलाइका से बढ़ती अर्जुन की नजदीकियां सलमान को रास नहीं आ रही हैं। यही वजह है कि सलमान अर्जुन को माफ भी नहीं कर पा रहे। खैर, अब जब दोनों एक ही फिल्म में आने की सोच रहे हैं तो भाईजान का गुस्सा अपने आप ही शांत हो जाएगा और दोनों की बॉन्डिंग एकदम पहली जैसी हो जाएगी। वैसे आप सलमान और अर्जुन को नो एंट्री के सीक्वल में गुरु और चेले के रोल में देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।